तो अच्छा कहाँ से लाई हो लड़की, मतलब इतना दिमाग कहाँ से लाई हो? आप जितने लाइट कलर्स पे जाएंगे उतना ही वो कलर जो होंगे वो ठंडे होंगे। चिन का बहुत ज्यादा क्रेज होता है, वो कहते हैं सिंपल, घर में भी रह रहे हैं तो भाई फैंसी बन के रह रहे हैं। कैप्शूल बनवा लें। अच्छा, कैप्शूल से ये होता है कि थोड़ा स्टाइलिश लुक आता है। बड़ा मैटर करता है कि अगर ये ड्रेस कैरी कर लिए तो उसके ऊपर मेकअप कैसा होना चाहिए। ड्रेस सिंपल होगा तो हमारा मेकअप भी थोड़ा सिंपल ही होगा। अच्छा। उसमें हम वैरायटी ऐसे ला सकते हैं कि हम हेयर के ऊपर थोड़ा वर्क कर सकते हैं कुछ स्टाइलिश से। मेकअप ऐसा होना चाहिए ताकि हम ऐसा लगे कि ये जो है वो बहुत भरा भरा सूट लगे हुआ होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्रेस सिंपल है और हम मेकअप शादी वाला करके बैठ जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी रूज मलिक और आप देख रहे हैं गुड इवनिंग पाकिस्तान। और आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो लेडीज़ के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ ड्रेसेस के हवाले से, मेकअप के हवाले से कि ड्रेस ऐसा है तो मेकअप कैसा होना चाहिए, मेकअप ऐसा है तो ड्रेस कैसा होना चाहिए। सर्दियाँ आ गई हैं, विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स में किस तरह के ड्रेस पहनने चाहिए और मेकअप किस तरह का करना चाहिए, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा शेख, जो कि बहुत अच्छी डिजाइनर हैं, छोटी सी हैं लेकिन काम बहुत बड़े बड़े हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं मेकअप पे बात करने के लिए सबा मोहसिन, जो कि बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का मेकअप कर चुकी हैं। तो नाजरीन चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब, सो प्लीज वेलकम अक्सा शेख एंड सबा मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सबा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सा आप कैसी हैं? आपको पता है कि सबा जो है वो हमारे शो में पहले भी आ चुकी हैं, जिन्होंने बहुत खूबसूरत सी जो है वो हमारे लिए जो है वो फ्रेग्रेंस लेकर आई थी। आज भी कुछ लेटेस्ट लेके आई हैं लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले जो है अपनी सेकंड गेस्ट की जानिब चलते हैं। अक्सा बहुत छोटी सी हैं लेकिन इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। तो अक्सा कहाँ से लाई हो लड़की, मतलब इतना दिमाग कहाँ से लाई हो? ऐसे ड्रेसेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगे कि बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं और इनकी कलेक्शन भी आपको नज़र आ रही है। बड़ी बात ये होती है कि डिसेंट लुक हो, स्टाइल भी वैसा हो और लुक भी ऐसा हो कि किसी दूसरे को देखने वाले को बुरा भी ना लगे, तो ये काम सिर्फ अक्सा शेख ही कर सकती हैं। तो अक्सा कैसे, अभी जैसे विंटर कलेक्शन है, सर्दियां हैं, किस तरह के ड्रेसेस, अगर मैं कैजुअल की बात करूं तो किस तरह के ड्रेसेस हमें कैरी करने चाहिए? यार एक तो है ना, सिटी के ऊपर ही बात होती है। अब जैसे कि कराची में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं है, यहाँ तो बहुत नॉर्मल सी सर्दी होती है, तो यहाँ तो ज़्यादातर जो वेलवेट के ऊपर लोग जब जाते हैं, जब वो किसी वेडिंग वगैरह पर जाते हैं, लेकिन कैजुअली उनको पहनना चाहिए कॉटन पहन लें। अच्छा, तो कॉटन में जैसे लोग कुछ, मतलब जैसे कॉटन के अंदर आप आजकल जैसे बहुत इन हैं पॉकेट जो शर्ट बन रही हैं, या फिर आपने ज़्यादा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा सर्दी, जैसे कि ये जो सीज़न चल रहा है जनवरी में थोड़ी ज़्यादा सर्दी है, तो इसके अंदर ये है कि आप खद्दर लें। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी सी स्टाइलिंग। तो वो वाले लोग जिनको बहुत ज्यादा जो है वो फैशन का बहुत ज्यादा क्रेज होता है, वो कहते हैं सिंपल, घर में भी रह रहे हैं तो भाई फैंसी बन के रहना है, स्टाइलिश बन के रहना, तो उन लोगों के लिए कोई ऐसी कैप्शूल बनवा लें। अच्छा, कैप्शूल से ये होता है कि थोड़ा स्टाइलिश लुक आता है। अच्छा। कट्स होते हैं उसमें, और थोड़ा डार्क कलर जो है वो लें। अच्छा। जैसे कि ब्लैक कलर, जो कि आज हम सब ने वेयर किया हुआ है, ब्लैक कलर में जो है, ये तो इत्तेफाक की बात है, आज ब्लैक कलर में आपको गर्मी लगती है। लेकिन आप जितने लाइट कलर्स पे जाएंगे उतना ही वो कलर जो होंगे वो ठंडे होंगे। अच्छा। और जितना आप डार्क कलर की साइड आएंगे वो कलर उतने ही गर्म होंगे। अच्छा, बहुत से डार्क कलर ऐसे होते हैं जो शॉक कलर होते हैं, वो ठंडे होते हैं। जैसे कि पैरेट ग्रीन कलर ले लें आप, वो कलर जो होता है वो ठंडा कलर होता है, और फ्लैग ग्रीन कलर भी थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन जो एक काई ग्रीन कलर के ऊपर जाता है वो कलर गर्म होता है। तो कलर भी बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ में। अच्छा, तो ये आपकी पर्सनालिटी, आपकी फिजिक से मतलब कनेक्टेड है कुछ कलर का सीन, या पे जैसे बहुत स्लिम लोग हैं तो उनको किस तरह के कलर वेयर करने चाहिए? मैं इस चीज़ को नहीं मानती, बहुत जो स्लिम लोग हैं वो कहते हैं कि हम लाइट पहनते हैं हम फिर भी स्लिम लग रहे हैं इसका, और जो जो थोड़े से भरे हुए होते हैं वो कहते हैं हम ब्लैक पहन लें जिसके अंदर हम स्लिम लगें। मैं कहती हूँ जो थोड़े मोटे हैं यार, उनको भी हक है लाइट पहनने का, तो वो लाइट पहन सकते हैं, और उनका वो लाइट इस तरह से पहन सकते हैं
जैसे कि उन्होंने जो ऊपर वाली साइड है वो शेडेड वाले जो है ड्रेसेस को पहन सकते हैं, जैसे ऊपर की जो साइड है वो हमारी थोड़ी लाइट है तो उसके नीचे थोड़ा सा हमारा डार्क कलर आ रहा है, फिर उससे थोड़ा सा डार्क है, और फिर जो नीचे फॉल है हमारे, हम मैक्सी ले लें या फिर जो है कोई भी लॉन्ग शर्ट हो उसके ऊपर, वो हमारे ड्रेस के ऊपर मैटर करता है कि अगर हम लाइट कलर पहन रहे हैं तो हमारी कोशिश ये हो कि हम जो है वो स्ट्रेट शर्ट बनाएं, स्लिम शर्ट बनाएं, और जो हमारा ट्राउज़र और शर्ट है उसका जो कलर है वो सेम हो, क्योंकि अगर हम अलग अलग कलर पहनेंगे तो हम ज़्यादा मोटे लगेंगे। ओह अच्छा जी, ड्रेसेस की तो बात हो ही रही है, लेकिन ड्रेसेस के साथ साथ जो है वो मेकअप भी बड़ा मैटर करता है कि अगर ये ड्रेस कैरी कर लिए तो उसके ऊपर मेकअप कैसा होना चाहिए। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि विंटर्स आ गए हैं, सर्दियां हैं, तो स्किन्स के भी मेकअप के भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि बेस फट रही है, पाउडर लगा रहे हैं तो वो निकल के बाहर आ रहा है। तो इस हवाले से भी बात करने के लिए हमारे साथ सबा जो कि बहुत एक्सपर्ट हैं मौजूद हैं। तो सबा मुझे ये बताएं कि जैसा अभी अक्सर ने जिक्र किया कि इस तरह के ड्रेसेस हमें कैरी करने चाहिए, हमें ब्लैक जो है वो ले लेना चाहिए, कॉटन के सूट्स पहनने चाहिए, तो उसके ऊपर अगर हम मेकअप की बात करें तो बिल्कुल सिंपल के ऊपर अक्सर जैसे करिए सिंपल के, तो सिंपल के ऊपर क्या हमें मेकअप किस तरीके से जो है वो करना चाहिए? जब हमारा ड्रेस सिंपल होगा तो हमारा मेकअप भी थोड़ा सिंपल ही होगा। अच्छा। उसमें हम वैरायटीज ऐसे ला सकते हैं कि हम हेयर के ऊपर थोड़ा वर्क कर सकते हैं, कुछ स्टाइलिश से हेयर डू कर सकते हैं, कुछ ब्रेड्स बना सकते हैं, कुछ कर्ल्स कर सकते हैं, या कुछ लोग स्ट्रेट पर भी रह सकते हैं। अच्छा, मैंने वैसे बहुत सारे लोगों से सुना है कि यार ड्रेस सिंपल है तो मेकअप डार्क होना चाहिए, मेकअप ऐसा होना चाहिए ताकि हम ऐसा लगे कि ये जो है वो बहुत भरा भरा सूट लगे होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्रेस सिंपल है और हम मेकअप शादी वाला करके बैठ जाए। अच्छा। तो वो भी नहीं होना चाहिए। डार्क मेकअप से लाइक हम लिप्स डार्क कर सकते हैं। अच्छा। थोड़ा लाइनर थोड़ा अच्छा सा लगा सकते हैं, लाइनर में वैरायटी कर सकते हैं। तो हम ये चीज़ें करके ना अपने मेकअप को ड्रेस के साथ सेटल। मुझे ये बताएं कि आजकल मेकअप में मतलब कौन सा मेकअप है जो बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है? या मेकअप ज़्यादातर नेचुरल पे ही मतलब अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा लाइक अगर हम फेयर पे चले जाएं या बहुत ज़्यादा बेस हैवी कर लें तो वो मज़ा नहीं देता। गोरा होने वाला जो लोग कहते हैं गोरा होना खत्म हो गया, शुक्र है कि वो खत्म हो गया लोगों में से, वो बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं। खैर मतलब गोरा होने के लिए, गोरा होने के लिए। लेकिन ये कि हम लाइट बेस के साथ अच्छा सा लाइनर लगा लें और डार्क सा लिप कलर लगा लें तो, और एक बहुत प्यारा सा हेयर डू कर लें। लाइनर की अगर बात करें तो लाइनर में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत वैरायटी है किसी को, तो लाइनर का क्या उसका भी फेस के हिसाब से, लाइनर के हिसाब से, फेस से ज़्यादा आइज़ के हिसाब से। लाइक अगर किसी की पफी आइज़ हैं तो हम उस पर लाइनर ना होने के बराबर लगाएंगे, बिल्कुल पतली सी लगाएंगे कि वो सिर्फ आईज को एनहेंस करे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो छुप जाएगा। इनफैक्ट पफी आईज पे तो आई मेकअप भी नहीं दिखता, बहुत कम दिखता है। तो वो डिफरेंट फेस की डिफरेंट आईज पर डिफरेंट लाइनर उस हिसाब से ही लाइक मेकअप करना चाहिए। और वैसे अगर जिसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं तो उसके लिए लाइनर कैसा होना चाहिए? अच्छा, नोक वाला लाइनर जो है आजकल बड़ा मैं देख रही हूँ, यहाँ यहाँ तक नोक निकाली हुई है, किसी ने यहाँ यहाँ तक नोक निकाली हुई है, तो उसका भी क्या कॉन्सेप्ट क्या है उसका? तो हम लाइनर के साथ हम ग्लिटर लाइनर भी कर सकते हैं उसके ऊपर, बहुत पतला सा, बहुत खूबसूरत सा, वाओ। तो वो एक डिफरेंट डिफरेंट हम मेकअप कर, ग्लिटर लाइनर हम जैसे अभी आप बता रहे हैं, तो ग्लिटर लाइनर जो है वो फिर पार्टी वेयर में नहीं चला जाता, पार्टी लुक? नहीं 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 नहीं, पार्टी लुक में नहीं जाएगा, हम आउटिंग पे भी लगा सकते हैं, छोटी पार्टीज में, डिनर टाइम, सॉरी लंच टाइम पर भी लगा सकते हैं, डिनर ओके, हाई टी पर भी लगा सकते हैं। आना चाहिए कि आप मेकअप कैसा कर रहे हो, आप खुद को ड्रेसअप कैसा कर रहे हो, उस हिसाब से ही आप मेकअप को कैरी करो। अच्छा जी, अब अक्सर की तरफ चलते हैं। अक्सर मुझे ये बताएं कि बहुत सारे ड्रेसेस और बहुत सारे डिज़ाइनर मैंने ऐसे देखे हैं कि वो हम लोग हायर तो कर लेते हैं डिज़ाइनर, लेकिन हमें जिस तरह का ड्रेस चाहिए होता है हमारी बॉडी शेप के हवाले से या उस तरह से, हमें उस वो चीज़ नहीं आ रही होती, हमें नहीं मिल पा रही होती, तो उसमें क्या मिस्टेक्स होती हैं? हमारी तरफ से कोई मिस्टेक्स होती हैं या डिज़ाइनर की तरफ से कोई मिस्टेक्स होती हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो कि डिज़ाइनर को पूछनी चाहिए हमसे या हमें डिज़ाइनर को बतानी चाहिए? यार आजकल जो मैंने देखा है ट्रेंड चला हुआ है, सब ने अपने अलग अलग ब्रांड बना लिए हैं। वो क्या करते हैं, हमारे ब्रांड में जो चीज़ चल रही है ना, हम हर मॉडल को, हर लड़की को हमने वही वेयर करवाना है। अगर आप किसी सैलून में जाएं, उनका एक स्टाइल है तो आप उन्होंने सबको वही स्टाइल देना है, चाहे आप उसमें अच्छे लगें या बुरे लगें। वो कह रहे हैं हमारा स्टाइल बन चुका है तो ये स्टाइल हम सबको देंगे। और मैंने डिज़ाइनर्स का भी यही देखा है, वो एक ही जो ड्रेसेस के जो स्टाइल है उस पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, वर्क चेंज कर देते हैं, स्टाइल उनका वही होता है। अब उसके अंदर लड़की का टमी दिख रहा है, बेलीफिट दिख रहा है, उनकी हाइट छोटी लगी, डजंट मैटर, वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा स्टाइल है,
हमारे जो ब्रांड में हैं, जो हमारा जो कुछ भी उनका स्टूडियो, उनका जो उनका काम चल रहा है, उन्होंने सबको वही देना। मैं कहती हूँ यार, अगर डिज़ाइनर हायर करा है तो वो उन्होंने किस बेसिस पे करा है? इसलिए करा है ना कि हमारी लुक चेंज हो। जिस तरह अब एक लड़की कह रही है कि मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ तो मुझे ऐसी ड्रेस दें जिसके अंदर मैं कम लगूँ, तो आप उसको ऐसी ड्रेस देना कि वो ड्रेस पहनने के बाद जब अपने आप को देखे तो बोले हाँ मैं कम लग रही हूँ। अब वो अच्छा तो चलो हम दिखा देंगे, हमारा हम ऐसा लुक दे देंगे आप अच्छी लग रही हो, पर अच्छा लगने का मतलब ये नहीं कि आप चेंज लग रही हो। अच्छा, अभी मैं इसी बात को मैं सभा के ऊपर लाती हूँ। सभा का जो मुझे मेकअप जो बहुत पसंद है वो उसकी बात ये कि नेचुरल लुक देती है। इसकी ब्राइडल्स भी देखी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लगती कि हमने डमी जो है वो शो कर दी, नहीं, वो बहुत अच्छा लुक आता है, हेयर भी बहुत अच्छे आते हैं। अब हम बहुत सारे सैलून्स में जाते हैं, सारी ब्राइडल्स को एक ही उन्होंने हेयर लुक दिया हुआ है, सबको बहुत ज़्यादा उनके जो हेयर हैं वो उलझा कर उनको पेश कर देते हैं और कहते हैं कि भाई ब्राइडल जो है, मैं कहती हूँ ब्राइडल भी जो है उसको आप जो कि बारात वाली है जितना हो सके उसको डिसेंट लुक दें, उसको नेचुरल पे लेकर जाए। बहुत ज़्यादा जो कि ये कह रही थी कि वाइट मेकअप नहीं करना चाहिए यार, जो आपका एक्चुअल जो आपका कॉम्प्लेक्शन है उसी के ऊपर आपको जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत बनाया, हर बंदे को, आपको, मुझे, सबको बहुत प्यारा बनाया है। अब हम उसके अंदर ये करें कि नहीं हमें ऐसा करना है, हमें इसके अंदर, भाई आप उतना ही रखें, आप अपनी खूबसूरती को इनहेंस करें। अल्लाह ताला ने आपको फेस दिया है उसकी हिफाजत करें, बॉडी दी उसकी हिफाजत करें, उसको ओवर ना करें। लेकिन क्या जितना हो सके आप वो कैरी करें जो आप पर सूट कर रहा है, वो नहीं करें जो दुनिया कर रही है। यार वो तो आपको ये कर देंगे ना कि बस ये चीज़ है, ये हम चाहे वो आप पे सूट कर रही है या नहीं कर रही है, सूट कर रही है नहीं कर रही है, आपको डमी बनाना है, ये कर रहे हैं। तो सभा, अच्छा मैं यहाँ पर बताते चलूँ, जैसे अभी इन्होंने नेचुरल लुक की बात की है तो आज का जो मेरा मेकओवर है वो भी सभा ने किया और मुझे लिटरली जो है वो खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है इनका मेकअप। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि मेकअप से ड्रेस लुक ख़राब हो जाए? हाँ बिल्कुल होता है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, साल होने वाला है, एक मैंने शो में अपनी ड्रेस दी थी, यार वो ड्रेस मैंने बहुत दिल से बनाई थी। मैं सारी ड्रेसेस बहुत दिल से बनाती हूँ, एक तो शॉर्ट टाइम बहुत था और मैंने बहुत सोच समझ के इसके अंदर उनकी बहुत स्लिम लुक आएगी, यार हेयर बहुत ख़राब दिए, मेकअप बहुत ख़राब दिया। अच्छा मेरी, अब आप अच्छी आदत समझ लें या बुरी आदत समझ लें, मेरी आदत ये मैं बोल देती हूँ, यार आपने तो मेरे ड्रेस ही पूरा लुक ही ख़राब कर दिया। कहने लगी नहीं हमारे मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे, मैं ना बहुत अच्छे होंगे बट प्रॉब्लम ये है कि जो ड्रेस की लुक है वो मेकअप और हेयर से आनी थी जी। अच्छा मैं ज्यादा उसमें चार चांद लगने थे जी। मैं ज्यादातर जो सभा के तरफ जाती हूँ वो इसलिए जाती हूँ, मैं ड्रेस का इसको बताती हूँ कि यार मेरी ड्रेस ये है, आपने मेकअप ऐसा देना है। और मुझे पता है, मैं नहीं भी बताऊँ ना, ये बंदी कमाल कर देती। अच्छा तो इन्होंने तो बता दिया, तो सभा आप मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने इनसे पूछा कि मेकअप की वजह से क्या ड्रेस लुक खराब हो सकता है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल एग्जैक्टली। तो सेम लाइक कभी ऐसा है कि मेकअप बहुत अच्छा हुआ, हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी हुई, अब ड्रेस ने लुक खराब कर दिया पूरा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता क्योंकि हम मेकअप ड्रेस के साथ ही करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आपको नहीं पता कि ड्रेस कौन सा, ऐसा होता अच्छा एक ज़हन में इमेजिनेशन बना के ऐसा होगा ड्रेस, लेकिन जब ड्रेस पहना वो सूट नहीं किया, सूट नहीं किया, कुछ क्लाइंट जब ऐसा करते हैं बट्टा लेकर आ जाते हैं और ड्रेस घर पे छोड़ के आ जाते हैं कि अब आप इसका मेकअप करना है, तो जब तक आप पहनोगे नहीं, हम देखेंगे नहीं कि आप कैसे लग रहे हो, तब तक नहीं मजा आता ना। लेकिन कुछ क्लाइंट की मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो नहीं समझते हमारी बात को, लेकिन फिर भी कोशिश यही होती है कि उसको उन्हीं के लाइक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा दिया जाए। बाद में अगर वो बहुत सारी ज्वेलरी जाकर पहन लेते हैं फिर तो फायदा नहीं है, बहुत बैड सीन कर देते हैं। तो सब स्किन के लिए कुछ, अभी जैसे अभी विंटर्स है तो स्किन फट जाती है, बेस नहीं होती, जो लोग जो वर्किंग गर्ल्स हैं तो डेली बेसिस पे उनको कुछ ना कुछ, तो ऐसा कुछ है कि बाम वगैरह इस तरह से करके कुछ ऐसे? यार बाम फेस के लिए नहीं, बाम लिप के लिए हो सकता है, और फेस को जितना हो सके मॉइस्चराइज रखें, और बेहतर है कि पानी ज़्यादा ज़्यादा पिए और सनब्लॉक ना छोड़ें। लड़कियाँ करती हैं ना कि सर्दियों में सनब्लॉक की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ गर्मियों में नहीं, सनब्लॉक 12 महीने चलाना है आपने। ओके, डेली वेयर के हिसाब से आप मतलब लाजमी आपको सनब्लॉक लगाना है, तभी आपको धूप में निकलना है। सनब्लॉक आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, हमेशा सनब्लॉक यूज़ करना है आपने, और बाकी आप मॉइस्चराइज रखें, पानी पीते रहें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। बिल्कुल, तो आप भी जो है वो जाते जाते कोई ट्रिक बताना चाहेंगे कि सर्दियां हैं तो ये वाली कलेक्शन और ये वाला फैब्रिक आप जो है वो ज़्यादा यूज करें, बेस्ट है सर्दियों की? यार मैं तो कराची के हिसाब से ये कहूँगी कॉटन बेस्ट है, और अच्छा। अगर आपने आउट ऑफ सिटी जाना है तो आप जो है वो गर्म करो।
कपड़े बना सकते हैं, खद्दर हो गया और जो जो शॉल वाले जो ड्रेसेस चल रहे हैं। अच्छा, मेरा तो मानना ये मिल जाते हैं। आप शॉल के कैप शॉल है और शॉल के जो डिजाइन है ना मुझे बहुत, मैं कहती हूँ अच्छे अच्छे शॉल बनाकर, पहले मेरी भी कलेक्शन के अंदर है शॉल, शो करूंगी इंशाल्लाह आपके शो में किसी दिन। तो ये है कि शॉल के ऊपर मेरा ज्यादातर रहता है कि आप ड्रेस आपने कोई भी पहनी हुई हो, अगर शॉल आपने बहुत अच्छी सी ले ली तो आपकी ड्रेस को भी बहुत अच्छा कर दिया। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने कोई अपनी पिक्चर अपलोड की थी तो सबा कहने लगी तुम्हारी जो शॉल से तुम्हारी ड्रेस की लुक बहुत अच्छी आ रही थी। तो शॉल भी आपकी जो ड्रेस के हिसाब से अगर आपने शॉल ले ली है तो समझे वो आपके ड्रेस को भी निकाल देगा। Okay. और रही बात इस चीज़ की कि अगर जैसे कि अब हमारे पाकिस्तान के और बहुत सारे सिटीजन के अंदर सर्दी बहुत ज्यादा होती है तो वेलवेट के ऊपर जाते हैं। अच्छा, वेलवेट में भी दो तीन वेराइटीज आती हैं। Okay. एक जो हल्की वाली होती है वो आप कैजुअल यूज कर सकते हैं, उसके शर्ट वगैरह बना सकते हैं। और बाकी जो मोटी वेलवेट होती है वो आप जैसे कि पार्टी वगैरह में और वेडिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जनाब यहाँ पर जो है हमारा प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म होने चलता है। अब मैं मज़े की आपको एक बात, जो स्टार्ट में एक सस्पेंस रखा था कि जी आज के शो में भी जो है वो सबा कुछ न्यू लेकर आई, तो न्यू ये लेकर आई है। सबा ये मुझे दिखाइएगा ज़रा परफ्यूम। पहले हमने इनके परफ्यूम की लॉन्चिंग की थी, लेकिन जनाब मज़े की बात यह है कि अभी जो है वो न्यू प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेकर आई हैं और पहले से बहुत अच्छा, पहले तो अच्छा था ही लेकिन अब बहुत अच्छा लेकर आई हैं। तो सभा का इस दफा में एक दो नहीं तीन नहीं मतलब चार पांच परफ्यूम्स लेकर आई हैं, चार परफ्यूम्स लेकर आई हैं जो हम न्यू लॉन्च करने वाले हैं। ग्लैम डीवा फ्रेग्रेंस व्हाइट ओड ओड ये कहाँ से लेके आती है नाम, और ये इतनी प्यारी प्यारी बॉटल्स की कलेक्शन आप ये देख सकते हैं। आई थिंक के अभी मार्केट्स पे ये अभी नहीं आई है, अभी नहीं आई है। अच्छा, पहले जो सभा की जो परफ्यूम्स था उसको व्यूवर्स ने और जो पब्लिक है उसने बहुत पसंद किया, काफी लॉन्ग लास्टिंग था। और मैंने दोबारा से जो है सभा से डिमांड की थी, सभा मुझे दोबारा चाहिए क्योंकि मुझे वैसी फ्रेग्रेंस नहीं मिली। मैं जहाँ भी लगा कर गई हूँ ना, लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ। तो लिटरली यार ऑनेस्टली इस फ्रेग्रेंस पे हम बहुत मेहनत करते हैं, मैं और जो ऑब्वियसली मेकिंग करते हैं जी जी, तो बहुत मेहनत करते हैं इसके ऊपर टेस्ट के हिसाब से, मेरे और लोगों की टेस्ट के हिसाब से हम इस पर बहुत ख्वारी करते हैं। सिर्फ परफ्यूम पर नहीं, हम बॉटल्स पे भी बहुत ख्वारी। वेरी नाइस। दिखेगा तो बिकेगा दिखेगा एग्जैक्टली। तो सभा अभी आप बता रही थी कि अभी आपका कुछ कोई आप स्टॉल भी लगाने वाली है। हाँ एग्जैक्टली, 14 जनवरी को हैबिट सिटी टीपू सुल्तान रोड पर हम सैलून के और परफ्यूम का स्टॉल लगाने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत अमेजिंग डिस्काउंट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा। और सबसे बेस्ट बात, आपको 50% ऑफ ब्राइडल मेकअप पे मिलने वाला है। और अमेजिंग परफ्यूम की लाइक बाय करने पर आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट कूपन मिलेगा, तो मिस नहीं करना, आपने विजिट करना है हैबिट सिटी में हमको, और ज़रूर आना है। बिल्कुल ज़रूर आएंगे। और ये ऑफर जो है वो लिमिटेड ऑफर है, जल्दी से तो आप जल्दी से अवेल कर लीजिए। तो जनाब अच्छा एक सेकेंड जी जी श्योर जी जी, मैं एक फ्रेंड का थैंक्स करना चाहती हूँ जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और वो बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड है और हमेशा बहुत सपोर्टिंग है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो जो भी उनके साथ होता है वो उसके लिए बहुत सपोर्टिंग होता है, बहुत साथ देते हैं उसका, बहुत अच्छा इंसान है। और थैंक यू सो मच फरी, आपने सपोर्ट किया मैं यहाँ पर हूँ, रूथ से मेरा कॉन्टैक्ट करवाया, तो थैंक यू सो मच हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। ओ फरी, फरी वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं भी उनके लिए यही कहूँगी कि ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, हमेशा सपोर्ट करने वाले, हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाले, हमेशा सबको पुश करने वाले। तो मैं भी अगेन जो है वो फरी को सभा की तरफ से भी अपनी तरफ से थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म होता है। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमारी जो बातें थी ज़रूर आपको बहुत पसंद आई होंगी और लेडीज़ के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव भी होंगी। तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।